सामाजिक विपणन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो का शीर्षक है सामाजिक विपणन अर्थात सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग या सामाजिक विपणन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है सोशल अर्थात सामाजिक, जो कि समाज से जुड़ा हुआ है या समाज के जो विविध पक्ष या पहलू होते हैं या समाज किन विषय वस्तुओं से मिलकर के बना है या समाज की विषय सामग्री क्या है, इसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा जो शब्द है वह है विपणन अर्थात मार्केटिंग। विपणन या मार्केटिंग का जो अर्थ है वो मार्केट से जुड़ा हुआ है अर्थात बाज़ार से जुड़ा हुआ है। वह बाज़ार वस्तुओं का भी हो सकता है और सेवाओं का भी हो सकता है। तो जो बाज़ार है उस बाज़ार में वस्तुओं और सेवाओं को बेचा जाता है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को समझ करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उपभोक्ता की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए विज्ञापन किया जाता है, प्रचार किया जाता है, बिक्री बढ़ाने के लिए विक्रय संवर्धन के तरीके काम में लिए जाते हैं, जनसंपर्क किया जाता है, ग्राहकों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विपणन का जो मूल जो अभिप्राय है वह यह है कि इससे ग्राहकों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का, या जिसे हम कहते हैं सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है। विपणन अर्थात मार्केटिंग, तो समाज की दृष्टि से विपणन करना सामाजिक विपणन कहलाता है। अर्थात समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, समाज को कुछ देने के की दृष्टि से जब बाज़ार में, चाहे वह वस्तुओं का बाज़ार हो अथवा सेवाओं का बाज़ार हो, यदि हम विपणन की तकनीकें या विपणन की जो विधियां हैं या विपणन के जो तौर तरीके हैं वो जब हम समाज की दृष्टि से उनका चयन करते हैं, समाज की दृष्टि से उनको हम लागू करते हैं, समाज की दृष्टि से हम उन्हें काम में लेते हैं, या यूं कहें कि सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विपणन को जब हम काम में लेते हैं, समाज के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, समाज के जीवन में अनुकूलतम सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, समाज को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने के लिए, समाज में रहने वाले लोगों की समझ को व्यापक बनाने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की दृष्टि से, उनके जीवन को बेहतर बनाने की दृष्टि से जब हम कोई कार्य करते हैं तो उन सभी कार्यों का जो उद्देश्य है वो सामाजिक विपणन कहलाता है। सामाजिक विपणन को हम विपणन के जो चार पी हैं, जैसे प्रमोशन है, प्लेस है, प्रोडक्ट है और प्राइस है, हम ये चार कंटेंट हैं इनको ध्यान में रख करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला कंटेंट या पहला जो इसका घटक है वो है प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। तो समाज की दृष्टि से कैसे हम अपने उत्पाद को बेहतर बना सकते हैं ताकि वो समाज के लिए कम से कम नुकसानदायक हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने वाला हो। तो मान लीजिए एक मारुति कार का जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। एक जो कार है, जब कार बनाने वाली कंपनियों ने प्रारंभ में कार बनाना शुरू किया था तो उन गाड़ियों में एयर कंडीशनर की सुविधा नहीं थी। फिर उन्हें यह लगा कि ग्राहकों को एक ऐसा वातावरण गाड़ी के अंदर उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि वे आरामदायक तरीके से गाड़ी को चला सकें और गर्मी के मौसम में भी उन्हें परेशानी न हो। तो इसके लिए उन्होंने एक नई तकनीक, जिसे हम एयर कंडीशनर कहते हैं, उसको गाड़ी में काम में लेने के लिए उसको आगे बढ़ाया। तो इसी प्रकार से जब हम ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं तो उससे ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ जाता है।
इसी प्रकार से हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे मान लीजिए बीड़ी है, सिगरेट है, कोई शराब है, तो ऐसे प्रोडक्ट जो समाज की दृष्टि से यदि हम बात करें तो नुकसानदायक है, क्योंकि इससे मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है इनके निरंतर सेवन करने से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जाते हैं लेकिन प्रोडक्शन की दृष्टि से हम बीड़ी बनाते समय या सिगरेट बनाते समय या शराब बनाते समय या गुटखा बनाते समय ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करें जो कम से कम नुकसानदायक हो। जैसे आप देखें गुटखे के साथ जो केमिकल मिलाए जाते हैं या बीड़ी या सिगरेट के साथ जो कागज़ काम में लिया जाता है या जो तंबाकू काम में ली जाती है, तो उससे हम कैसे उसको कम से कम जो है नुकसानदायक स्थिति में ला करके और ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो उससे भी हम समाज की दृष्टि से एक मार्केटिंग का एक काम हम कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट को हम कम से कम नुकसानदायक बना सकते हैं। ठीक है, ये तो मानकर चलते हैं कि इनसे नुकसान होता है, लेकिन नुकसान कम कैसे किया जाए, इस दिशा में भी यदि हम प्रयास करते हैं तो प्रोडक्ट की दृष्टि से सोशल मार्केटिंग कहलाती है। नंबर टू फिर बात आती है प्लेस, कैसे हम जो समाज की दृष्टि से हम उन प्रोडक्ट्स को सही स्थानों पर उपलब्ध करवाने के लिए हम काम कर सकते हैं, वो सोशल मार्केटिंग का ही एक घटक है। फिर बात आती है प्राइस कि भाई सिगरेट, बीड़ी और गुटखा जो है उसकी प्राइस इतनी रखी जाए कि वो एक जो आम आदमी है उसकी पहुंच में ही नहीं हो, तो उससे क्या होगा कि जो गरीब तबके का वर्ग है वो उनका प्रयोग न कर पाने की स्थिति में होगा, तो उसको उनसे नुकसान से बचा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ज़्यादा प्राइसिंग की जो पॉलिसी है उससे भी हम उसको और उसकी बिक्री को थोड़ा कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो प्रमोशन है या उनको बेचने के जो तरीके हैं, बिक्री बढ़ाने के लिए हालांकि प्रयास किए जाते हैं, लेकिन विज्ञापन में आप देखिए कि सरकार ने भी नियम बना रखा है कि इस प्रकार की यदि कोई वस्तुओं का विज्ञापन होगा तो उसमें ये होगा कि जैसे बीड़ी और सिगरेट के जो रैपर हैं या जो गुटखे का की जो पैकिंग है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि भाई इनका सेवन करना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, या गुटखे का सेवन करने से कैंसर हो सकता है या ऐसी और अन्य बीमारियां हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें उसकी पैकिंग पर शो की जाती हैं या दिखाई जाती हैं, प्रदर्शित की जाती है, ये ऐसे नहीं की जाती हैं बल्कि इसके लिए सरकार ने नियम बना रखे हैं। तो ये एक तरह की सोशल मार्केटिंग, हम समाज को वस्तुओं को खरीदने से पहले जागरूक करते हैं कि यदि आप इन वस्तुओं को खरीदेंगे तो उससे आपको ये नुकसान हो सकता है, तो ये भी एक तरीका है। तो चाहे प्रोडक्ट की दृष्टि से बात करें, चाहे प्राइस की दृष्टि से बात करें, चाहे प्लेस या स्थान की दृष्टि से बात करें, और चाहे प्रमोशन या जिसको बिक्री बढ़ाने के तरीके कहते हैं उन दृष्टि से बात करें, हर स्तर पर हम समाज की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए, समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, समाज को कम से कम नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस दृष्टि से भी हम उन चीज़ों की मार्केटिंग करते हैं, तो यह सोशल मार्केटिंग कहलाती है। सामाजिक विपणन या सोशल मार्केटिंग समाज से जुड़ा हुआ पहलू है, और हम जिस समाज का हिस्सा हैं उस समाज में पुरुष भी हैं, उस समाज में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उन सब की आवश्यकताओं का पता लगाना, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाना, उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना, उन्हें एक अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध करवाना, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी के प्रयास करना, उनके शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से उन्हें समृद्ध बनाना या उनकी समृद्धि को बढ़ाने की दृष्टि से प्रयास करना भी सामाजिक विपणन के दायरे में आता है। तो सामाजिक दृष्टि से यानी समाज की दृष्टि से जब हम मार्केटिंग टेक्निक्स काम में लेते हैं तो वो सोशल मार्केटिंग कहलाता है।